तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज है संडे और समय आ गया है एक बार फिर से WWE बायोग्राफीज के नए एपिसोड का। और आज का ये एपिसोड होने वाला है नन अदर देन द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि अगले हफ्ते का एपिसोड आपके फेवरेट सुपरस्टार के बारे में हो तो ऊपर आई बटन में जाके जो ऑप्शंस मैंने दिए हैं उनमें आप वोट करें और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उस पर ही अगले हफ्ते का एपिसोड आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन की। तो इनका जन्म हुआ था 6 सितंबर 1983 को नॉर्थ कैरोलिना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इनका असली नाम है एडम शेयर और इनके फादर का नाम है रिक शेयर जो कि सॉफ्टबॉल के एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्लेयर माने जाते हैं। इनकी मदर का नाम तो हमें नहीं पता लेकिन इनकी एक यंगर सिस्टर है जिनका नाम है हैना शेयर। अब इनकी एजुकेशन की हम करें बात तो ये ब्रैंडीज हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे 2001 में और यहाँ पर ये फुटबॉल और रेसलिंग स्पोर्ट्स सारे ही खेला करते थे। इन्होंने सेमी प्रोफेशनल फुटबॉल भी खेली थी हिकोरी हॉर्नेट्स टीम के लिए और ये उसमें भी काफी अच्छे प्लेयर माने जाते थे। इन्होंने अपनी यंग एज में एक डोरमैन और एक मैकेनिक की तरह भी काम करा हुआ है। और जबकि इन्होंने NFL स्काउटिंग कंबाइन में 2007 में पार्ट लिया था लेकिन तब भी ये एक NFL प्रोफेशनल नहीं बन पाए थे। अब बात करते हैं इनके इंटरेस्ट और हॉबीज की। तो इनके फेवरेट रेसलर है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और हल्क होगन जबकि इनका फेवरेट बैंड है मेटालिका। ब्रॉन स्ट्रोमैन GTA के बहुत ही बड़े फैन हैं और साथ ही साथ इनको काउंटर स्ट्राइक और क्लैश ऑफ क्लैंस गेम भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इनके रिलेशनशिप स्टेटस की करें बात तो ये फिलहाल तो अनमैरिड हैं लेकिन इनकी गर्लफ्रेंड हैं जिनका नाम है कैमिलिया केन और वो भी खुद एक रेसलर हैं। अब बात करते हैं इनकी WWE से पहले की स्टोरी के बारे में गाइज। तो 2000 के बाद इन्होंने कम्पीट करना स्टार्ट करा था स्ट्रॉन्गमैन के कॉम्पिटिशन्स में जहाँ पे इनको वेट लिफ्टिंग और बाकी चीज़ें करनी होती थी। इन्होंने अपना स्ट्रॉन्गमैन कॉर्पोरेशन प्रोफेशनल कार्ड अर्न करा November 5, 2011 को। साल 2012 में इन्होंने आर्नोल्ड एमेच्योर स्ट्रॉन्गमैन चैंपियनशिप को जीता जो कि आर्नोल्ड स्पोर्ट्स फेस्टिवल के टाइम पर होती है। इन्होंने उसके बाद कई सारे स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म करा जहाँ पे इनकी परफॉर्मेंसेज जो थी वो सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अब बढ़ते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के WWE करियर की तरफ। इन्होंने साल 2013 में उनके साथ एक डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और इनको परफॉर्मेंस सेंटर फ्लोरिडा में भेज दिया गया था। 2014 में इन्होंने एडम रोज के रोडबर्ड्स वाले गिमिक में एक रोजबर्ड के फॉर्म में अपीयरेंस दी थी लेकिन इनका प्रोफेशनल डेब्यू जो था वो NXT के एक लाइव इवेंट में दिसंबर 2014 में हुआ था जहां पर इन्होंने अपना नेम यूज करा था ब्रॉन स्ट्रोमैन और इनका ये मैच हुआ था चैड गेबल के साथ। साल 2015 अगस्त में इन्होंने अपना मेन रोस्टर डेब्यू करा जहां पर इन्होंने एक मैच लड़ा रोमन रेंज और डीन एम्ब्रोस के अगेंस्ट एज द मेंबर ऑफ वायत फैमिली। उसके बाद सितंबर में इन्होंने अपने पहले पेपरव्यू में पार्ट लिया जहां पर नाइट ऑफ चैंपियंस में इन्होंने वायत फैमिली के साथ हराया डीन एम्ब्रोस रोमन रेंज और क्रिस जेरिको की टीम को एक सिक्स मैन टैग टीम मैच में। इसके बाद WWE ने इनका नाम ब्रॉन स्ट्रोमैन से ब्रॉन स्ट्रोमैन कर दिया जिस नाम से अब हम इनको जानते हैं। बात करते हैं जनवरी 24 2016 को तो ब्रॉन स्ट्रोमैन एंटर हुए थे रॉयल रंबल मैच में जो कि था WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए और उस मैच में 5 एलिमिनेशन करने के बाद इनको ब्रॉक लेसनर ने रॉयल रंबल से बाहर कर दिया था। उस रॉयल रंबल में ही ये वापस आए थे जहां पर इन्होंने वायत फैमिली की हेल्प करी थी और ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट कर दिया था। इसी चीज के बाद ऐसा हुआ था कि सबसे पहली बार इनको एज अ मॉन्स्टर रेफर करा गया था। अब बात करते हैं रेसलमेनिया 2 की तो द वायत फैमिली के साथ इन्होंने द रॉक और जॉन सीना को इंटरप्ट करा था और वो इनकी पहली रेसलमेनिया की अपीयरेंस थी। इसके बाद वायत फैमिली की फ्यूड स्टार्ट हुई थी न्यू डे के साथ जो कि तब थे टैग टीम चैंपियंस और इन्होंने न्यू डे को एक सिक्स मैन टैग टीम मैच में डिफीट करा था। 2016 में ब्रॉन स्ट्रोमैन को फाइनली ड्राफ्ट करा गया था मंडे नाइट रॉ पे जब वो ब्रे वायत और एरिक रोवन से सेपरेट हो गए थे और इसी वजह से उनका एक सिंगल्स करियर यहां से शुरू हुआ। अब इसके बाद इन्होंने कई हफ्ते तक मंडे नाइट रॉ में जॉबर्स के अगेंस्ट मैच लड़ा जिसको ये कुछ सेकंड में ही जीत जाते थे लेकिन इनका जो फर्स्ट एक्चुअल मैच था वो बुक हुआ था सैमी ज़ेन के अगेंस्ट लेकिन वो मैच हमें कभी देखने को ही नहीं मिला था क्योंकि इस मैच से पहले ही सैमी ज़ेन और ब्रॉन स्ट्रोमैन एक दूसरे को अटैक कर देते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच का एक और मैच शेड्यूल करा गया था जहां पे विनर को सर्वाइवर सीरीज में रॉ टीम को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलना था। इस मैच में तो ब्रॉन स्ट्रोमैन जीत गए लेकिन जब सर्वाइवर सीरीज की बात आई तो ये सबसे पहले ऐसे मेंबर बने थे जो कि टीम रॉ से एलिमिनेट कर दिए गए थे। उसके बाद मंडे नाइट रॉ में इनको एक बार फिर से मौका दिया गया सैमी ज़ेन से लड़ने का जहां पे इनको 10 मिनट में उनको हराना था पर ब्रॉन स्ट्रोमैन इस चीज को करने में अनसक्सेसफुल रहे। अब ये फ्यूड आगे भी कंटिन्यू हुई जब सैमी ज़ेन को ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ रॉ में एक लास्ट मैन स्टैंडिंग में बुक करा गया और यहां पे फाइनली वो टाइम आया जब ब्रॉन स्ट्रोमैन ने सैमी ज़ेन को कर दिया था डिफीट। इस फ्यूड के बाद WWE को ये पता लग गया था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन एक काफी पॉपुलर सुपरस्टार बन सकते हैं और उनको सीधा यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मौका मिला जहां पे एक फेटल फोर वे मैच में वो हार गए
गए थे जिसमें ब्रॉन स्ट्रोमैन, ब्रॉक लेसनर, समोआ जो और रोमन रेंस थे। इसके बाद उनको एक 7-मैन एलिमिनेशन चेंबर में डाला गया जिसमें वो नंबर 1 कंटेंडर बन सकते थे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, लेकिन उस मैच में वो नहीं जीत पाए थे। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन की पिछले साल कुछ बड़ी अचीवमेंट्स आई जिसमें इन्होंने सबसे पहली 50-मैन ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल मैच को जीता और उसके बाद पिछले साल इन्होंने मनी इन द बैंक लैडर मैच भी जीता। उस मनी इन द बैंक को इन्होंने रोमन रेंस के अगेंस्ट हेल इन अ सेल में कैश इन करा, लेकिन क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने उस मैच में इंटरफेयर कर दिया था तो उस मैच का कोई रिजल्ट नहीं आया और ब्रॉन स्ट्रोमैन का कैश इन बिल्कुल फालतू चला गया था। रेसलमेनिया 34 की करे बात तो ब्रॉन स्ट्रोमैन को बोला गया कि अगर वो एक टैग टीम पार्टनर ढूंढ लेते हैं तो उनको शेमस और सिजारो से टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लड़ने का मौका मिलेगा। तभी उन्होंने क्राउड में जाके एक लड़के जिसका नाम था निकोलस उसको उठाया और उसी के साथ टीम अप करके सिजारो और शेमस को हरा दिया और इसी वजह से वो जीत गए थे रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप टाइटल। और इसके साथ साथ ही निकोलस बन गए थे WWE के यंगेस्ट चैंपियन इन एनी कैटेगरी। अब बात करते हैं इसके बाद तो तब से लेके अब तक ब्रॉन स्ट्रोमैन को कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो टाइटल अभी तक नहीं जीते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रोमैन की कुछ अचीवमेंट्स की गाइस, तो ये दो मूवीज जिनका नाम है पहली तो 3 Count और दूसरा होम्स एंड वॉटसन, इनमें इन्होंने एक्टिंग करी है। उसके बाद ये दो टेलीविजन शोज में आए जो एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जिसमें से पहला तो है द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन और दूसरा है हमारा इंडियन शो जिसमें आते हैं सलमान खान और उसका नाम है 10 Kadam। उसके बाद ये PWI की 500 लिस्ट में नंबर 6 पर थे और 2018 की ही बात है। उसके बाद 2018 में WWE ईयर एंड अवार्ड्स में बने थे मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर। आर्नोल्ड एमेचोर स्ट्रॉन्गमैन चैंपियनशिप में विनर रहे 2012 में और मॉन्स्टर ऑफ द मिडलैंड के भी विनर रहे थे 2010 में। तो गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन का जो करियर है वो अभी स्टार्ट ही हुआ है और मेरे हिसाब से आने वाले कुछ सालों में वो जरूर यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे और हमें और भी कई मस्त फ्यूड्स में दिखाई देंगे। तो गाइस ये थी लाइव स्टोरी ब्रॉन स्ट्रोमैन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।